हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी और आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल सामाजिक जानकारी पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि निशुल्क कानूनी सहायता यानी कि मुफ्त में हम कानूनी सहायता किस तरीके से ले सकते हैं। दोस्तों हमारे देश में काफ़ी लोग हैं जो पीड़ित है किसी न किसी समस्या को लेकर और उन्हें कानूनी सहायता चाहिए, लेकिन उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, अप्रोच नहीं होती, उन्हें समझ में नहीं आता कि किस तरह से और कहाँ से हम फ्री में कानूनी सहायता लें। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आप बिल्कुल फ्री में और किस तरीके से कानूनी सहायता ले सकते हैं, वकील से बात कर सकते हैं, और अगर आपको वकील करना भी पड़ जाए तो आपको एक भी पैसा नहीं देना है, तो वो सब सारा किस तरीके से होगा इसी के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि निःशुल्क कानूनी सहायता यानी कि मुफ्त में आप कानूनी सहायता किस तरीके से ले सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि निःशुल्क कानूनी सहायता यानी कि वकील फ्री में कौन कर सकता है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके अंदर दोस्तों लगभग सभी तरह के लोग कानूनी सहायता ले सकते हैं, जैसे कि महिलाएँ हैं, किसी भी तरह की महिलाएँ अगर वो पीड़ित है किसी भी तरह से वो इसमें सहायता ले सकती है, बच्चे बूढ़े ले सकते हैं, और जो श्रमिक यानी कि मजदूर जो लोग हैं वो इसके अंदर सहायता ले सकते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग इसमें सहायता ले सकते हैं, और वो लोग भी इसमें सहायता ले सकते हैं जिन लोगों की पेमेंट 1 साल में 5 लाख से कम इनकम है, वो इसके अंदर सहायता ले सकते हैं। यानी कि लगभग हर व्यक्ति निःशुल्क कानूनी सहायता ले सकता है, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों अब बात ये आती है कि निःशुल्क कानूनी सहायता हम कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ हमें जाना होगा। देखिए निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए हर राज्य के हर ज़िले में एक सेंटर बनाया हुआ है जिसे स्टेट लीगल अथॉरिटी सर्विस सेंटर कहा जाता है, उसके अंदर हम जाके अपने निःशुल्क कानूनी सहायता ले सकते हैं। ये आपके कोर्ट जिसे कचहरी कहते हैं वहाँ पे आपको मिलेगा ये सेंटर, वहाँ पे आप जाके अपनी ऑफलाइन तरीके से अपनी जो भी कंप्लेन वगैरह यानी कि जो भी आप जिस भी तरह का वकील चाहते हैं, देखिए वकील भी काफ़ी तरह के होते हैं, तो ज़मीन जायदाद के हो गए और जैसे पारिवारिक वकील हो गए, अलग अलग तरह के वकील होते हैं आप अच्छे से जानते हैं, यानी कि वहाँ जाके आप अपनी समस्या बताइए। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी सेंटर होता है, वहाँ पे जाइए आप, ये आपको कचहरी के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाइए आप, वहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, उसी के अनुसार आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा कि कहाँ पे मिलना है और किससे मिलना है। और दोस्तों वहाँ पे आप आपको एक फॉर्म भरवाया जाएगा, आपकी पूरी समस्या उसमें लिखनी होगी, और उसके कुछ दिनों बाद आपके पास एक लेटर आएगा, और अगर आप चाहो तो कुछ दिनों बाद मैन्युअली भी उनसे जाके मिल सकते हो कि हमने जो अपील की थी यानी कि जो रिक्वेस्ट डाली थी उसका क्या रहा, तो वो आपको बता देंगे कि कितने दिन में आपको वकील प्रोवाइड करवाया जाएगा। या फिर अगर आप केवल कंसल्ट करना चाहते हैं यानी कि राय लेना चाहते हैं तो वो भी आपको वहाँ पर दे दी जाएगी। तो ये था मान लो ऑफलाइन तरीके का। अगर हम बात करें कि ऑनलाइन तरीके से हम किस तरीके से सहायता ले सकते हैं, ऑनलाइन के लिए दोस्तों उसका भी लगभग यही प्रोसेस है, यानी कि हर राज्य की स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक वेबसाइट होती है, वहाँ पे आप जा सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप नालसा के नाम से एक वेबसाइट बनी हुई है, NALSA nalsa.gov.in के नाम से वेबसाइट बनी हुई है, वहाँ पर जाइए आप, और वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कि फ्री कानूनी सहायता यानी कि फ्री लीगल एडवाइस का एक ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, वहाँ से अपना ज़िला इत्यादि सिलेक्ट करना है, उसमें अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन पूरा एड्रेस उसके अंदर डालना है, और जो भी आपको समस्या वो फिलअप करके उसमें आपको सबमिट कर देना है। और दोस्तों अगर आप ये सब कुछ नहीं करना चाहते, अगर आपको थोड़ी सी जानकारी चाहिए भी किस तरीके से क्या होता है, ज़्यादा लंबा प्रोसेस आपको नहीं चाहिए, तो आप जो स्टेट लीगल अथॉरिटी की वेबसाइट है वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे फ़ोन नंबर दिए होंगे, वहाँ पे आप डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं और अपनी जो भी राय है वो ले सकते हैं। और अगर आप और दोस्तों एक कॉमन नंबर भी पूरे इंडिया के लिए बनाया गया है जिस पे आप कॉल करके अपनी राय ले सकते हैं, ये आप चाहे भारत के किसी भी राज्य से हो
कॉल करके अपनी पूरी राय ले सकते हैं। ये नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे आप कॉल कीजिए और आपकी जो भी समस्या है उनको बताइए। और ये जो वेबसाइट है, वेबसाइट भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। और आप हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी हमने फ्री लीगल एडवाइस यानी कि मुफ्त कानूनी सलाह से रिलेटेड सभी ज़रूरी जानकारी दी हुई है, और वहाँ से आप बिल्कुल आसानी से फ्री लीगल एडवाइस ले सकते हैं। और दोस्तों अब अगली बात ये आती है कि फ्री लीगल एडवाइस के अंदर आपको क्या मिलेगा, क्या क्या सहायता मिलेगी। देखिए इसके अंदर आपको लगभग सभी तरह की सहायता मिलेगी। सबसे पहली बात आती है इसके अंदर यानी कि आपको एडवाइस यानी कि राय मिलेगी, फ्री में राय मिलेगी कि मेरा ये झगड़ा हो गया है, ये हो गया है, इस तरीके से मुझे क्या करना चाहिए, कितना पैसा लगे, वो सारी चीज़ उसके अंदर आपको बता देगा। और दूसरी बात आती है कि अगर आपको एक वकील की ज़रूरत पड़ती है तो सरकार आपको बिल्कुल फ्री में वकील करके देगी, उसका आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। और उसके बाद में जो भी आप कोर्ट के अंदर कंप्लेन वगैरह दर्ज करवाते हो तो उसकी जो कॉपी वगैरह है वो आपको दी जाएगी। और इसके अलावा और भी आपको कोई डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए कोर्ट से तो वो भी आपको बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। और गवाह के आने जाने का खर्चा वो शायद मिल सकता है, आप उनके बारे में भी पूछ सकते हैं। तो यानी कि लगभग काफ़ी तरह की आपको सहायताएँ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, तो आप ये बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से निशुल्क कानूनी सहायता यानी कि फ्री लीगल एडवाइस ले सकते हैं। और दोस्तों फ्री लीगल एडवाइस से रिलेटेड आपका किसी भी तरह का कोई भी सवाल जवाब है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और दोस्तों एक बार फिर से अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।